हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ सैम्पल अटैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली वो होते क्या हैं, और आज हम जो है मेजर तीन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में जानेंगे कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं और कैसे हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट कहते किसे हैं? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर पॉसिबल डेंजर्स दैट कैन पॉसिबली हैम्पर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर। इस बेसिक लाइन का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पॉसिबल डेंजर्स हैं, वो पॉसिबल अटैक्स हैं जो कि आपके सिस्टम की नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, आपके कंप्यूटर जिस तरीके से नॉर्मली वर्क करता है उस चीज़ को वो हिंडर करता है और आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को वो रोकता है। यानी इस कंप्यूटर सिक्योरिटी अटैक्स के बाद जो है आपका कंप्यूटर नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा जैसा कि वो पहले करता था। और आज की प्रेजेंट एज के अंदर जो है साइबर थ्रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी वर्ल्ड है वो डिजिटली डेली इंक्रीज करता जा रहा है, जो भी चीज़ जो है वो डिजिटली होती जा रही है। तो कुछ मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा वायरस। तो सबसे पहले हमने हमेशा सुना होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस ने अटैक कर दिया, हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस है। बट एक्चुअली वायरस होता क्या है? तो वायरस जो है एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। मैलिशियस प्रोग्राम का मतलब होता है जो कि अपने अंदर कुछ अटैक कंटेन करके रखता है, यानी कुछ ऐसी लाइन ऑफ कोड्स होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और हमारे सिस्टम के अंदर जो है नॉर्मल फंक्शनिंग को डिक्रीज करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो लोड किया जाता है विदाउट यूजर्स नॉलेज। यानी कि अगर मैं किसी कंप्यूटर का यूज़र हूँ, मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उस कंप्यूटर के अंदर कौन सा वायरस है मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होगी और वो जो है हमारे सिस्टम के अंदर लोड कर दिया जाएगा। वायरस की एक जो मेजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। रेप्लिकेट का मीनिंग है वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स जो है इंक्रीज करता रहता है। सपोज़ अगर वो कुछ पहले 10 क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर था, तो कुछ टाइम बाद जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही हम सिस्टम को यूज़ करते रहेंगे वो अपने आप को अपनी क्वांटिटी में इंक्रीज़ करता रहेगा, और हो सकता है कुछ टाइम बाद जो है वो 100 क्वांटिटीज़ में हमारे सिस्टम के अंदर स्टेबल हो। और जो वायरस है अपने आप को रेप्लिकेट करने के साथ साथ हमारी जितने भी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर फाइल्स है, प्रोग्राम्स है, उन सभी को इन्फेक्ट करता जाता है। वायरस को इंजेक्ट करने का हमारे सिस्टम के अंदर जो एक मेजर और अल्टीमेट गोल है वो ये है कि किसी भी तरीके से विक्टिम के कंप्यूटर को जो है जैसे वो नॉर्मली बिहेव करता था वो उस तरीके से नॉर्मली बिहेव ना करे। यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ये किस टर्म्स में हो सकता है? ये इन टर्म्स में हो सकता है जैसे कि आपका सिस्टम पहले अच्छा फास्ट चलता था बट वो अब बहुत ही स्लो चलेगा, तो सिस्टम लैग करेगा, आपके सिस्टम में जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर के टाइप्स है जो वायरस अगर आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया जाए तो आपका सिस्टम उस तरीके से बिहेव करता है। सेकंड जो इसके अंदर हमारा अटैक है वो आता है हमारा कंप्यूटर वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप को कॉपी करता रहता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि सपोज हम इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है किसी टाइप का वायरस होता है, तो अगर वो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया तो उसी की फॉर्म में जो है वायरस हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा, बिकॉज हम उस सॉफ्टवेयर को हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, हम अपने सॉफ्टवेयर्स को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, तो ये जो शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर है उसी के साथ साथ जो है शेयरिंग ऑफ वायरस भी हो जाता है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर अपने अंदर जो है वायरस को, अपने अंदर जो है अटैक को कंटेन करके रखता है। तो बेसिकली कंप्यूटर वॉर्म क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके अंदर अटैक होते हैं और वो क्या करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जो है शेयर और ट्रांसफ़र होता रहता है। और जो हमारे कंप्यूटर बॉम्ब का पोटेंशियल रिस्क है वो यहाँ तक है कि हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क का स्पेस है, वो हार्ड डिस्क का स्पेस हम जब भी जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है, 1 TB यानी कि 1000 GB। बट जैसे ही वॉर्म जो है कंप्यूटर वॉर्म वो अपने आप को इतनी ग्रेटर वॉल्यूम में रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, कि हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो उसके स्पेस को भी जो है बहुत जल्दी ऑक्यूपाई कर लेता है। थर्ड आता है हमारे इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, फिशिंग। फिशिंग जो है अभी करंटली जो है काफ़ी यूज़ की जाती है हैकर्स के थ्रू, अटैकर्स के थ्रू। फिशिंग होता क्या है, बेसिकली फिशिंग ये होता है कि कोई भी अनट्रस्टवर्दी पर्सन जो है
कई बार आपको ऐसे लिंक सेंड कर देते हैं, कई बार आपको ऐसे फ्रॉड ईमेल सेंड कर देते हैं। अगर हम उनको क्लिक करते हैं तो हमारी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड डिटेल्स, ये सभी जो है उस लिंक पे क्लिक करने के साथ ही जो है शेयर हो जाती है। तो फिशिंग का बेसिक अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको क्लियर करूँ तो फिशिंग बेसिकली एक लिंक के थ्रू, एक ईमेल फ्रॉड के थ्रू, या फिर इंस्टेंट मैसेजेस जो कई बार रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, अगर हम उन अननोन मेल अननोन मैसेजेस को क्लिक करते हैं तो उन लिंक्स के थ्रू जो है आपकी सारी डिटेल्स को वो थेफ्ट कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। फिशिंग जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ईजी होती है एग्जीक्यूट करने में, बिकॉज उन्हें सिर्फ वायरस क्रिएटेड, वायरस रिलेटेड एक मेल क्रिएट करना होता है, एक मैसेज क्रिएट करना होता है और उसे सेंड करना होता है, और जो भी पर्सन फिर उस मेल को, उस लिंक को क्लिक करेगा उसकी सारी डिटेल्स जो है उस लिंक के थ्रू जो है एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी और अटैकर के पास चली जाएगी। फिशिंग का मेजर पर्पस जो होता है वो यही होता है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंक के फाइनेंशियल सेंसिटिव डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन सभी को जो है स्टील किया जाए। तो ये तीन मेजर कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो अभी करंटली बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया वायरस, सेकंड हमने डिस्कस किया कंप्यूटर बॉम्ब, एंड एट लास्ट थर्ड हमने डिस्कस किया हमारा फिशिंग, जो कि बहुत ही ईजी होता है एग्जीक्यूट करने में।